गाइस अभी जो हमारे घर के मिक्सर ग्राइंडर है खराब हो गए, वही ठीक करने हैं अभी। इस गोली में हम गए थे तो वो गेट बंद है, तो इस साइड में एक गोली है तो उस गोली में जाकर देखते हैं दूसरा वाला गेट खुला है ये बंद। हाय एवरीवन, फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस अभी हम जाएंगे डॉक्टर के पास, ब्लड टेस्ट है और बर्गम टेस्ट करना है गाइस। और उधमपुर की जो मार्केट है गाइस तो वो आज हम आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो गाइस चलो आज की ब्लॉग शुरू करते हैं। गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस मुझे ना पहाड़ वाला जगह बहुत ही अच्छा लगते हैं और हम अभी जहाँ पर है तो आसपास से पहाड़ ही दिखाई देंगे आप लोगों को, बहुत ही अच्छा लगते हैं, बहुत ही अच्छा फील होते हैं। और सामने भी देखो कितने बड़े पहाड़ है और पहाड़ में बहुत सारे लोगों की घर भी है। और अभी आप लोग देख सकते हो जहाँ पर हम है, एक पर तीन रास्ते है, एक राइट साइड में गए हैं और एक लेफ्ट साइड में, तो हम राइट साइड में जा रहे हैं और इसी रास्ते से जाकर थोड़ी देर बाद हमें मिल जाएंगे MH मतलब मेडिकल हॉस्पिटल। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हॉस्पिटल और अभी बज रहे हैं सुबह की 8 और इस हॉस्पिटल में गाइस आने के लिए बहुत ही सुबह आना पड़ता है। चलो हॉस्पिटल में है ना, जल्दी जाओ बेटा, पापा बुला रही है ना, जल्दी चलो। पापा जहाँ पर स्कूटी रखी है ना वही पर वेट कर रही है पापा हमारे लिए, हम जल्दी जाएंगे तो ही तो इधर से जा पाएंगे ना। गाइस अभी जो हमारे घर के मिक्सर ग्राइंडर है, मिक्सर करने वाला ग्राइंडर खराब हो गया है, वही ठीक करना है अभी। ये पानी निकलता है, ठीक किया है, पता नहीं कैसे ठीक कर दिया, लेकिन जब मसाला के साथ पानी डालते हैं ना पानी निकल जाता है। इसी शॉप में हम कल आए थे और कुछ सामान जॉग वगैरह ये सब लेकर गए थे, तो आज हम फिर से आ गए। अंकल ये एक डिब्बा कितने पड़ते हैं? 20 रुपए। गाइस हमारा काम हो गया है और अभी हम ये देखो उधमपुर मार्केट में है, ये उधमपुर की मार्केट है मेन मार्केट, और कुछ कुछ चीज़ों की रेट बहुत ज़्यादा कम है और कुछ कुछ चीज़ों की रेट ज़्यादा भी है। गाइस अंकल की दुकान से शॉप से हमने कुछ डिब्बे ले लिया तो घर पे जाकर आप लोगों को दिखा दूंगी। गाइस आप लोगों को क्या चाहिए है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू उधमपुर मार्केट में सब कुछ मिलेंगे गाइस आपको, गली गली में शॉप है गाइस, ढूंढना पड़ता है। तो हम एक दिन आए थे तो थोड़ा सा हमें पता चल गया कि कौन सी शॉप किस तरह है। तो अभी मुझे एक अंकल की शॉप में जाना है, जो चाय की स्टील की कप होते हैं, एक कप लीक निकला है तो वही चेंज करना है गाइस। तो चलो अभी हम इस गली में जा रहे हैं और इसी गली में पढ़ते कुछ है। गोली में हम गए थे वो गेट बंद है, तो इस साइड में एक गोली है तो उस गोली में जाकर देखते हैं दूसरा वाला गेट खुला है ये बंद। उठो हाँ, ये वाला ना, हाँ प्रेस्टीज ये वाला गेट है, ये राम। इसके अंदर जितने भी शॉप थे पूरा शॉप बंद है गाइस। ये कुर्ती है ना, क्या कहते इसको, फ्रॉक, प्राइस कितने का है? 300। अच्छा इस टाइप के मुझे कुछ दिखाइए।
गाइस इस सेट में सिर्फ कुर्तियाँ मिलेंगे आप लोगों को, सूट वगैरह और कुर्तियाँ। ये देखो सूट तो नहीं चाहिए अंकल जी, मुझे कुर्ती 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 चाहिए। हाँ ले कुर्ती दस यार गोपाल। किस साइड में? अच्छा अंदर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा? नहीं नहीं ठीक है, आज मार्केट के दिन है, आप रेट होगा ना मंडे। अच्छा अच्छा मेन शॉप यही है, अंदर बाहर जो मर्जी है आप, अंदर लो बाहर लो, एक ही रेट है। अच्छा ठीक है अंकल आते हैं। नहीं नहीं सूट नहीं पहनते थे सर। आप क्या डालते हो? कुर्ती। गाइस मैंने दो कुर्ती ले लिया, तो दो कुर्ती 600 रुपया बहुत ही कम रेट में मिल चुके हैं। गाइस एक बार ये देखो कुर्ती जो लटका हुआ है, यही मैंने एक ही 300 रुपये में ले लिया। आज सोमवार के दिन है इसीलिए सब कुछ हाफ रेट में मिल रही है। फल चाहिए सब फल मिलेंगे, और इस साइड में मिलेंगे आप लोगों को सब्जियां, और वो देखो सामने पहाड़, वाव क्या मस्त है व्यू, बहुत ही मस्त है गाइस। मंदिर है गाइस, अभी हम आए हैं सब्जियों की दुकान में, तो अभी थोड़ा सा हमें सब्जी लेना है। क्या किलो लेना? हाँ अच्छे वाला देखिए, अच्छे देखिए भाड़ जी, क्योंकि रूम में सब्जियां है नहीं, प्याज आलू लेमू और क्या क्या लेते हैं आप लोग देखते रहो। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं। लेमो दीजिए भैया। हाँ कितना? 30 रुपए में कितना आएंगे? लौकी कैसा है? लौकी कैसा है? लौकी 30 रुपए 30 रुपए किलो। टमाटर निभा A few moments later. तो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर, और घर आने के बाद हम खाना वगैरह खा लिया। खाना मतलब आज मैंने पुलाव बनाया था और सोयाबीन के साथ आलू का दाल बनाया। खाने के बाद अभी मैं बाहर के साइड में आ चुकी हूँ, और गाइस ये देखो सामने देखो कितने सारे हनुमान जी हैं। तो गाइस एक दिन मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा दूंगी। तो आज की ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल में कोई अगर न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय एफएम एंड जय कमलापुर।